मंडी टाउन हॉल में चली 3 दिवसीय नॉर्थ जोन मातुल एवं संदीप मेमोरियल बैडमिंटन प्रतियोगिता का एकल खिताब हिमाचल के सौरभ ने पंजाब के लव सिंह को हराकर जीता। इस प्रतियोगिता में 3 प्रदेशों हिमाचल, पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ से आए खिलाड़ियों ने भाग लिया। मंडी टाउन हॉल में चली 3 दिवसीय नॉर्थ जोन मातुल एवं संदीप मेमोरियल बैडमिंटन प्रतियोगिता का एकल खिताब हिमाचल के सौरभ ने पंजाब के लव सिंह को हराकर जीता है। इस प्रतियोगिता में 3 प्रदेशों हिमाचल, पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ से आए खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। महिला एकल में विजेता व उपविजेता हिमाचल की ही खिलाड़ी रही है। इसमें विजेता दिव्या व उपविजेता साक्षी रही है, जबकि लड़कों की प्रतिस्पर्धा में अंडर 19 में ध्रुव राम विजेता बने, जबकि धीमेंद्र उपविजेता बने हैं। विजेता व उपविजेता खिलाड़ियों को समाज सेवी चंद्रमोहन शर्मा ने पुरस्कार वितरित किए, जबकि उनके साथ अनिल शर्मा भी विशेष रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर बैडमिंटन क्लब की ओर से दातुल चौहान, अतुल शर्मा, लखविंदर सिंह, नरेंद्र राजू, पीआर राणा भी मौजूद रहे। पर जो एक बच्चा हमारा शिमला वाला यहाँ खेल रहा था, सोलन वाला यहाँ खेल रहा था, अगर हमारी सरकार और हम सब साथ मिलकर अगर इन हीरो को तराशे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे हिमाचल से, हमारे मंडी से, हमारे सोलन से, हमारे कुल्लू से ओलंपियन ना हो, कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लेने वाले प्लेयर ना हो। मैं हिमाचल प्रदेश स्पोर्ट्स काउंसिल का मेंबर होने के साथ साथ एक व्यवसायी भी हूँ। पिछले 10-15 साल से अपना बिजनेस भी कर रहा हूँ। मेरे बिजनेस की जितनी भी आमदनी होती है उसका 40% मैं हिमाचल प्रदेश के स्पोर्ट्समैन और हिमाचल प्रदेश की गरीब बेटियों के लिए दान देता हूँ। मुझे बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि मुझे अपने हिमाचल के बच्चे वहाँ बहुत चंद मिलते हैं, बहुत कम बच्चे मिलते हैं। मेरी गुजारिश है प्लेयर से, कोचिज से, ये जो प्रतिभा आपके बीच में है इसको इसी स्टेडियम के बीच में, हमारे हिमाचल के बीच में, हमारे भारतवर्ष के बीच में ही ना रखें। मैं चाहता हूँ कि हमारा ये जो जैसे ये बच्चा भी हमारा खेल रहा था, इस तरह का बच्चा हमारा हिमाचल का नाम विश्व के मानचित्र पर लेके जाए।